राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान राजेंद्र नगर हैदराबाद में आप सभी का स्वागत है, जो कि कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित जैविक नियंत्रण केंद्र है, जहां पर रेड वीट बग का उत्पादन किया जाता है। राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग द्वारा देश के अधिकारियों, छात्र छात्राओं, किसान बंधुओं को प्रशिक्षित करने का कार्य कर रहा है। रेड वीट बग लाल रंग या हल्का काले रंग का परभक्षी किसान मित्र कीट है, जो कि पत्ती छेदक व फल छेदक लार्वा जैसे स्पोरोप्टेरा व हेलिकोबर्पा को भोजन के रूप में खाता है। रेड वीट बग के शरीर की बनावट कुछ इस प्रकार होती है कि वह जैसे ही शत्रु कीट या लार्वा को देखता है, उसके पास धीरे धीरे पहुंचकर अचानक उसके शरीर को अपने नुकीले पैरों द्वारा जकड़कर पकड़ लेता है और अपने रोस्ट्रम द्वारा उसके शरीर में जहरीले लार को छोड़ देता है, जिससे फसल शत्रु लार्वा तड़प तड़प कर घायल व बेहोश हो जाता है, जो कि रेड वीट बग से कई गुना बड़ा होता है। फिर रोस्ट्रम द्वारा रेड वीट बग बेहोश व घायल लार्वा के जूस को चूस लेता है। इस प्रकार शत्रु लार्वा पूर्ण रूप से मर जाता है। शत्रु लार्वा बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रेड वीट बग उसको बचने का मौका नहीं देता है। रेड वीट बग को अधिक मात्रा में उत्पादन करने हेतु प्लास्टिक टब या प्लास्टिक डिब्बे की आवश्यकता होती है, जो कि अच्छे प्रकार से स्प्रिट या एल्कोहल से साफ हुआ हो, जिससे कि उसमें किसी अन्य प्रकार के जीवाणुओं का संक्रमण ना हो। प्लास्टिक टब या डिब्बे में सूर्य के प्रकाश द्वारा सुखाया हुआ मिट्टी या बालू या लैब में स्टरलाइज की हुई मिट्टी या बालू टब या डिब्बे की तली से 2 से 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। प्लास्टिक टब या डिब्बे के अंदर 10 से 50% मधु को रुई में भिगोकर चिपका देते हैं और सफेद मोटे कागज को 10x15 सेंटीमीटर में काटकर 4 से 5 भागों में मोड़कर उसको टब या डिब्बे में रख देते हैं और फिर उसमें 5 से 7 कार्सेरा लार्वा डाल देते हैं और फिर उसमें 3 से 5 जोड़े रेड वीट प्रौढ़ को छोड़ देते हैं और टब या डिब्बे को सफेद मार्किंग कपड़े से ढककर रबर या रस्सी से अच्छी तरीके से बांधकर मेज या सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। प्लास्टिक टब या डिब्बे में रखे हुए सफेद मुड़े कागज पर मादा रेडवीट बग अंडे देती है और लगभग एक समूह में 40 से 50 रेडवीट अंडे होते हैं। इस मुड़े हुए कागज को, जिस पर रेडवीट अंडे होते हैं, को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पहले से रखे हुए कई पेटे डिश में रख देते हैं। प्रत्येक गुच्छे के प्रत्येक अंडे से लगभग 7 से 10 दिनों के अंदर नए रेडवीट निम्फ या बच्चे निकल आते हैं। इस रेडवीट निम्फ को आवश्यकता अनुसार भोजन के रूप में 3 से 4 कार्सेरा लार्वा पेटी डिश में प्रत्येक दिन छोड़ते रहना चाहिए और पेटी डिश के अंदर 10 से 50% मधु को रुई में भिगोकर रख देते हैं, जिससे रेडवीट निम्फ को
दो से तीन स्टार में विकसित होने के लिए भोजन की पूर्ति होती रहे। धीरे धीरे 40 से 50 दिनों के अंदर यही दो से तीन स्टार निम्फ 4 से 5 स्टार प्रौढ़ में रूपांतरित व विकसित हो जाते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि यदि उचित भोजन नहीं दिया गया तो रेडवीट बग एक दूसरे को खा जाते हैं, अर्थात उनके अंदर स्वजातीय भक्षण अर्थात कैनाबोलिज्म के गुण होते हैं। इनमें से कुछ प्रौढ़ रेडवीट बड़े व मोटे होते हैं, जो कि मादा रेडवीट प्रौढ़, व कुछ छोटे व पतले होते हैं, जो कि नर रेडवीट प्रौढ़ होते हैं। अधिक मात्रा में रेडवीट बग उत्पादन करने हेतु अधिक प्लास्टिक टब या डिब्बे लेकर पुनः ऊपर की विधि को अपनाते हैं और आवश्यकता अनुसार खेतों में शत्रु लार्वा जैसे एल्कोवर्पा, स्पोरोडोप्टेरा, जो कि हमारे फसलों की पत्तियों, फलों को नुकसान पहुंचाते हैं, को नियंत्रण करने के लिए रेडवीड नीम या प्रौढ़ को खेतों में छोड़ दिया जाता है, जो कि शत्रु लार्वा को खाकर नियंत्रण करते हैं। इस प्रकार बिना किसी रासायनिक दवा के किसान भाई बिना किसी खर्च के बिना वातावरण के प्रदूषित किए हुए शत्रु कीटों पर नियंत्रण पा सकते हैं और देश को प्रदूषित वातावरण से बचाकर देश का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार जैविक नियंत्रण केंद्र द्वारा संस्थान के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर के सत्यगोपाल आईएएस महोदय जी की संरक्षण में टेक्निकल निदेशक डॉक्टर पी जय कुमार, ज्वाइंट निदेशक डॉक्टर ओपी शर्मा जी, सभी सह निदेशक और संस्थान के सुशिक्षित ट्रेनर्स व वैज्ञानिक महोदयों द्वारा देश व प्रदेश के अधिकारियों, छात्र छात्राओं व किसान भाइयों को प्रशिक्षित करने का कार्य विगत कई वर्षों से उत्कृष्ट रूप से किया जा रहा है। किसान भाइयों, यह फिल्म केवल प्रशिक्षित प्रशिक्षण व शिक्षा के उद्देश्य बनाया गया है, जिसको कि विक्रय